तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो पिछले सेगमेंट में हमने क्या किया, हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 से निकले वो उसके पास वापस आ जाते हैं, ठीक है, वो उसके पास वापस आ जाते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस तो आ रहे हैं लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वापस भी आ गए। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो वापस नहीं आते हैं, ठीक है। कैसे होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको आप समझो, क्योंकि इसमें अभी हमें बहुत कुछ करवाना है। एक तो फोटोसिस्टम सेकंड इंक्लूड होना चाहिए, उसका तो कोई काम ही नहीं आया अभी तक। दूसरा पानी का टूटना, वाटर स्प्लिटिंग, अभी तक हुई नहीं। ऑक्सीजन कैसे बनेगी, ऑक्सीजन का बनना अभी तक आया नहीं, क्योंकि ये तो क्या होता है फोटोसिस्टम 1 अकेला कर लेता है, ग्रेना में भी कर लेता है, स्ट्रोमल लेमेली में, खासकर जो स्ट्रोमल लेमेली है जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है वहां पर फोटोसिस्टम 1 अकेला क्या करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जो कि मेजॉरिटी में होता है ज्यादातर। अब आप फिर से ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये स्टार्ट होता है आपके फोटोसिस्टम सेकंड से। किससे स्टार्ट करेंगे इसको समझने के लिए, वैसे होता तो सब कुछ एक साथ है लेकिन समझने के लिए हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, फोटोसिस्टम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फोटोसिस्टम सेकंड, लिखा हुआ है ना PS2, ये क्या है आपका फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। अब लाइट गिरी, ये लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट की एनर्जी स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, ये लाइट की एनर्जी गिरी फोटोसिस्टम सेकंड के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर, है कि नहीं। एक्सेसरी पिगमेंट्स बहुत सारे, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, एंथोफिल वगैरह वगैरह, इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट गिरी। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स हुए एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करते 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 किसके पास पहुंच गए, P680 के पास। P680 क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। P680 क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर। अब इसमें भी वही केस है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उससे कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, उससे रिएक्शन सेंटर जुड़ा रहता है भैया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो वो किससे जाएगा, वो रिएक्शन सेंटर से ही जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच गए। वाटर भी यहाँ पे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे, ठीक है। वाटर को अपन अपने तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या आ गया, P680, ठीक है। रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है आपको मालूम ही है, P680, ठीक है। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक्साइटेड, और इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइटेड और बाहर निकल गए। बाहर कौन एक्सेप्ट करेगा उनको, प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कोई, ठीक है। अब हम प्राइमरी एक्सेप्टर, कोई भी प्राइमरी एक्सेप्टर है, उसके बाद जैसे फेरेडॉक्सिन हो सकता है या दूसरा हो सकता है, प्लास्टोक्विनोन है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ये ट्रांसफर करेगा उनको एक दूसरे मॉलिक्यूल को जिसको हम बोलते हैं PQ, या फिर PQ का पूरा नाम है प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ये सारे नाम अपने को दिए नहीं है लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर किसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, PQ को, यानी कि प्लास्टोक्विनोन को दे देगा, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन फिर अपने इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स समझ गए आप, कौन है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वही साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, यही क्या है आपका, वही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जब एनर्जी रिलीज होती है तो उससे यूज करके, उस एनर्जी को यूज करके एडीपी और फॉस्फेट से क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। सेम चीज चल रही है यहाँ पे भी। फिर से साइटोक्रोम F के बाद किसके पास चला गया, PC के पास, यानी कि वही प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। इसको प्लास्टोक्विनोन बोल सकते हैं, यूबीक्विनोन हो सकता है, यूक्यू हो सकता है, ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया ये प्लास्टोसाइनिन। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए। अब आप ध्यान दो, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा कि पहले जो अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे PS1 से और वापस PS1 के पास पहुंच जाते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं PS2 से, उसके रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, फिर गए प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास, इसको हम बोलते हैं दोनों को मिलाकर के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जब ट्रांसफर होता है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज एनर्जी को यूज करके हम एटीपी बना लेते हैं, ठीक है, एनर्जी को यूज करके एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कम एनर्जी वाले हैं ये पास हो गए प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से अब ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दूसरे फोटोसिस्टम के पास, इसके पास दूसरे फोटोसिस्टम के पास, कौन सा है दूसरा फोटोसिस्टम PS1 यानी कि P700, आई बात समझ। फिर P700 के ऊपर भी तो लाइट गिर रही है, गिर रही कि नहीं गिर रही, लाइट गिर रही है। अब ये जो लाइट गिरेगी ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से एक्साइटेड कर देगी, फिर से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के कहाँ पहुंचेंगे दोबारा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास यानी कि FRS के पास, FRS के बाद FD के पास, वही फेरेडॉक्सिन FD के पास, FD से अब यहाँ पे आपको याद रखना है ये वापस PS1 के पास नहीं आ रहे, ये जाते हैं एक एंजाइम के पास जिसका नाम है NADP प्लस रिडक्टेज। बताया था ना मैंने NADP फॉर्मेशन में, बताया ना आप लोग को पहले, तो ये किस एंजाइम के पास पहुंच गए NADP प्लस रिडक्टेज के पास, और NADP प्लस रिडक्टेज क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके NADP प्लस और H प्लस को मिलाकर NADPH बना देगा। NADPH प्लस H प्लस बनता है एक्चुअली, ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन जुड़ा तो NADPH, दूसरा और जुड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन तो NADPH प्लस H प्लस, ठीक है, इस तरह से क्या करता है NADP प्लस से NADPH2 बना, कौन बनाता है NADP रिडक्टेज। बात समझ में आई सबको यहाँ तक, NADPH बन गया। एक बार फिर से सुन लो क्या हो रहा है आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, एक चीज और है अभी, है ना, वो हम लोग एक और इंक्लूड कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो निकलते निकलते जा रहे हैं NADPH के पास पहुंच गए, ऐसे तो जो आपके फोटोसिस्टम है इसके इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे, कहां से आएंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने का, रिप्लेनिश करने का काम करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब काम की बात यहाँ पे आती है कि वाटर मॉलिक्यूल H2O क्या करता है, टूट जाता है, पानी किसकी वजह से टूटता है, लाइट एनर्जी की वजह से, इसकी वजह से लाइट की वजह से, क्या बना देगा 2H प्लस प्लस हाफ O2 बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो देखो अब इसमें क्या होता है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर आप वाटर को तोड़ दो यहाँ पर H2O को, एक मॉलिक्यूल वाटर का अगर हमने तोड़ा तो क्या क्या बनेगा 2H प्लस 2OH माइनस। अब ये जो 2OH माइनस है ये आगे और डिवाइड होकर के क्या बना देता है दो इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये बना देगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन तो किसके पास चले जाएंगे PS2 के पास, वाटर से रिलीज हुए, ये वाटर किसकी वजह से टूट रहा है लाइट की वजह से, ठीक है, और वाटर से रिलीज हुए ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए PS2 के पास, जो फिर से एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, ओके। और ये जो दो प्रोटॉन्स हैं ये प्रोटॉन्स काम में आते हैं इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाऊंगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, सब काम में आएगा ये पानी के टूटने वाला। हाँ एक चीज आप और याद रख लेना, यहाँ पे टूटने के लिए क्लोरीन इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है, या किसी किसी केस में जिंक भी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के आयंस यहाँ पे जरूर होते हैं क्लोरीन और मैग्नीशियम, तो आपको ये याद रखना है जरूर, और मैं बताऊंगा आपको डिटेल में वाटर स्प्लिटिंग में। तो पहले आप बताओ बेसिकली समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपका फोटोसिस्टम 1 और 2 सब जमे हुए हैं ऐसे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, बताया था ना मैंने थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर सब जमे हुए हैं। अब सब जमे हुए हैं, लाइट आई फोटोसिस्टम 1 के पास, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 और F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, यहाँ पे जब ट्रांसफर होता है तो एटीपी निकलती है, फिर ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है PS1 को, इस पे भी लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड होते हैं, चले जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर पैराडॉक्सिन के पास, और फिर फाइनली पहुंच जाते हैं एनएडीपी प्लस रिडक्टेज के पास। यहाँ तक पहुंच गए और NADP प्लस रिडक्टेज क्या करता है, इससे NADPH बना देता है। तो अपना ATP भी बन गया और NADPH भी बन गया। तो इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट करके फोटोसिस्टम सेकंड के पास नहीं आते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस लौटाने का काम कौन करता है, वाटर। और वाटर की स्प्लिटिंग से इसको फोटोसिस्टम सेकंड को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिबरेट होता है। तो ऑक्सीजन बन गई। ऑक्सीजन किससे बनती है, जुड़ी मतलब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, सिर्फ फोटोसिस्टम सेकंड से रिलेटेड है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही ऑक्सीजन लिबरेट होती है, साइक्लिक में नहीं होती है। बात पूरी तरह से समझ में आई या नहीं आई, ये आप मेरे को फटाफट से बताओ। क्लियर है, सबको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इस तरह से चेंजेस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको और इस तरीके से समझेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हो रही है। अभी आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकली ये इससे इसमें जाता है, इससे उसमें जाता है, इसमें उसमें जाता है, क्या फायदा है, क्या चीज है। इसी कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे और फिर डार्क रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन दिस वंडरफुल लेक्चर्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बाय प्रणव शर्मा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन।